वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ करीब 8 बजे। तो बाय द वे, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आज क्या क्या करूंगा। तो चलो गाइज, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस, शाम हो चुकी है और मैं सो के उठ चुका हूँ बाय द वे। तो अभी मैं घर के काम निपटा लेता हूँ, फिर आपसे सीधा मिलते हैं पशुओं के पास और आपको पशुओं से भी मिलाते हैं। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस, तो शाम होने को है और बाहर का व्यू दिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो चलो गाइज, बाहर का व्यू देखते हैं। ऐसा है कुछ गाइज, बाहर का व्यू चारों तरफ बस बादल ही बादल हैं और वर्षा होने को आया है। थोड़ी देर में शायद वर्षा हो भी सकती है। बाद भाई, यहाँ पर पाइप से पानी आ रखा है जो खेतों में जा रहा है। और बहुत तेज हवा चल रही है और ये है डॉगी जिसने आज खाना भी नहीं खाया। जिसको देखो, इसका आधा खाना वैसे बड़ा है। देखो भाई, दूर दूर तक बस बादल ही बादल दिख रहे हैं, बादल ही बादल। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे रात को। गाइस, रात हो चुकी है और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ चपाती। तो भाई दबे, मम्मी की अभी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मुझे खाना बनाना है। और बाहर देखो भाई, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। बिल्कुल तो नहीं, पर अभी थोड़ा थोड़ा दिन है। पर गाइस, बाहर बिल्कुल अंधेरा है। और ये देखो सामने एनटीपीसी कॉलोनी का व्यू। बस एनटीपीसी में चारों तरफ लाइटें लाइटें हैं। यहाँ तो किसी भी कोने में अंधेरा नहीं है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे रोटी बनाने के बाद। गाइस, तो रोटी बन चुकी है, वो बारी है सब्जी बनाने की। बाय द वे, जैसे मैंने रोटी पहली बार ही बनाई, तो जैसी मुझे जैसी मैं बना सकता था तो वैसी, तो सॉरी, मैं मुझे बोलने में दिक्कत है। तो जैसी मैं बना सकता था मैंने बनाई। बाय द वे, मुझे जैसी आती थी वैसी मैंने बना दी। तो अगर आपको ये बनी हुई रोटी ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं गाइस आपको सब्जी बनाने के बाद। गाइस, तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करता हूँ। बाय द वे, अगर ब्लॉग पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे, तो मैं ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो और मुझे मम्मी पापा मेरे घर वाले में गालियाँ दे रहे हैं कि तुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर तू ब्लॉगिंग क्यों करता है। तो गाइज, सॉरी, मैं ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ पर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब आप मुझे सपोर्ट करना शुरू करोगे मैं भी ब्लॉगिंग करना फिर से शुरू कर दूँगा। और मेरा अगला ब्लॉग, फिर मैं अपने अगले ब्लॉग में आपको अपनी कुल देवी अपनी माँ अपनी कुल देवी के दर्शन भी करवाऊंगा और आपको अपने गांव के तीनों मंदिर भी दिखाऊंगा। अपने गांव के तो दो ही हैं, एक तो एनटीपीसी का है तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं गाइस जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइज, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ माय यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ गाइज।